वो उमूर जिनसे रोजा मकरूह नहीं होता। भूल चूक से खा पी लेना रोजे को तोड़ता है न मकरूह करता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोजा पूरा करे क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। यानी आपको ये ना सोचे कि अच्छा खा तो चुके हैं तो और ही खा ले, नहीं, जान के खाने से फिर टूट जाएगा रोजा। मिसवाक करने से रोजा मकरूह नहीं होता। गर्मी की शिद्दत से रोजादार सर में पानी बहा सकता है, इससे रोजा मकरूह नहीं होता। यानी अगर स्किन के जरिए कुछ पानी अंदर चला जाता है तो उससे रोजा मकरूह नहीं होता, एज लॉन्ग एज कि आपके हलक से नीचे कुछ ना उतरे। रोजे की हालत में मजी खारिज हो या इहतलाम हो जाए तो रोजा टूटता है ना मकरूह होता है, यानी उससे रोजा ना टूटता है ना मकरूह होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और इकरमा फरमाते हैं, रोजा किसी चीज के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है, जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता। ठीक है, यानी जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है या इंसान वॉशरूम जाता है या फिर जिस्म से कोई और मादा निकल आता है तो इससे रोजा नहीं टूटता। सर में तेल लगाने, कंघी करने या आंखों में सुरमा लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता। हंडिया का जायका चखना, थूक निगलना और मक्खी के हलक में चले जाने से रोजा मकरूह नहीं होता। जायका चख के आगे खाना नहीं, यानी चख के थूक दे तो और बात है, लेकिन अगर अपने मुंह की थूक है वो अगर अंदर चली गई तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। इस तरह मक्खी मच्छर वगैरह भी अगर गले में चला जाए या कोई खाक वगैरह। रोजादार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा पानी में तर करके बदन पे रख सकता है, इससे रोजा मकरूह नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में से कोई रोजादार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए, यानी अपना हाल हुलिया दुरुस्त रखे। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रोजादार के लिए नाक में दवा डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि हलक तक न पहुंचे। निज रोजादार सुरमा लगा सकता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रोजादार हंडिया या किसी दूसरी चीज का जायका चख ले तो हर्ज नहीं, इसलिए टूथपेस्ट को भी मना नहीं किया जाता। हजरत अता रहमहुल्ला ने कहा, रोजादार अपना थूक निगल सकता है। हजरत हसन ने कहा, अगर मक्खी रोजादार के हलक में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर किसी पर गुसल फर्ज हो लेकिन देर से उठे तो सहरी खाकर गुसल कर सकता है, अलबत्ता खाने से कबल वजू कर लेना चाहिए। हजरत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्ला से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हजरत आयशा के पास आए। हजरत आयशा ने बयान किया, मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतलाम के सबब से नहीं बल्कि जिमा के सबब से हालत जनाबत में सुबह करते, गुसल किए बगैर रोजा रखते, बाद में फजर से पहले गुसल फरमा लेते। फिर हम दोनों हजरत उम्मे सलमा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज है, बशर्ते के जज्बात पे काबू हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज मेरा जी चाहा और मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, आज मैंने बड़ा गलत काम किया है, रोजे की हालत में बोसा ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ अगर तुम रोजे की हालत में कुल्ली कर लो तो फिर? मैंने अर्ज किया, कुल्ली में क्या हर्ज है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किस चीज में हर्ज है? यानी बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। रोजे में पछने लगवाना जायज है। पछना क्या होता है? कपिंग, जिस्म में सुराख करके छेद के उसमें से खून निकालते हैं, कप्स को उल्टा करके, वो बकायदा एक तरीका इलाज है। या फिर एक जोंक होती है तो वो जोंक को मखसूस पॉइंट्स पर लगा देते हैं और वो वहां से खून सक करती है और वो खून से भर जाती है बाजू का। इसीलिए बाजू का लोग कहते हैं ना, ब्लड लेना है या देना है, तो वो रोजे की हालत में ले सकते हैं। डायबिटीज के मरीज शुगर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन अगर विटामिन का नहीं है लगा सकते हैं, इनहेलर यूज कर सकते हैं क्योंकि इनहेलर स्टमक में नहीं जाता। कदा रोजों के मसाइल, फर्ज रोजे की कजा आइंदा रमजान से पहले किसी वक्त भी अदा की जा सकती है। यानी कजा रोजे कब रखें? अगले रमजान से पहले। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मर जाए और उस पर फर्ज रोजे रखने बाकी हों तो उसका वारिस उसकी तरफ से कजा रोजे रखे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। लेकिन अगर वारिस में भी हिम्मत ना हो तो फिर फिदिया दे दिया जाए। नफली रोजे की कजा अदा करनी वाजिब नहीं है। यानी अगर आपने नफली रोजा रखा और तोड़ दिया तो कजा रखना जरूरी नहीं। हाँ, अगर नजर का रोजा हो या कजा रोजा रखा और वो तोड़े तो फिर उसकी कजा जाहिर के देनी होगी, क्योंकि कजा रोजा जब तक कजा करेंगे नहीं, पूरा नहीं करेंगे तो पूरा ही नहीं होगा। अगर किसी ने बादल की वजह से रोजा कबल अज वक्त इफ्तार कर लिया
लेकिन बाद में यकीन हो गया कि सूरज गुरूब नहीं हुआ था। इस सूरत में कजा वाजिब होगी। इसी तरह सहरी के वक्त खाना खा लिया, बाद में यकीन हो गया कि सुबह सादिक हो चुकी थी, इस सूरत में भी कजा वाजिब होगी, कफारा नहीं। यानी अगर आपने लेट सहरी खाई और बाद में पता चला ओहो ये तो वक्त गुजर चुका था, आपने 6:30 को 5:30 समझा, तो उस सूरत में बाद में फिर आप उस रोजे की कजा दें। सफर में रोजा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। हैज और निफास वाली औरत को मस्कूरा हालत में रोजा नहीं रखना चाहिए। हैज या निफास खत्म होने के बाद रोजे की कजा अदा करनी होगी। सिर्फ दूध पिलाने वाली हामिला औरत को रोजा न रखने की रुख्सत है, बाद में सिर्फ कजा होगी। बहरहाल इंसान जब एक इबादत नहीं कर रहा होता तो उसकी कमी तो वाकई हो रही होती। हाँ, ये कमी पूरी कहाँ से होती? दूसरी तरफ जिस सबब से वो रोजा नहीं रख रही, मसलन दूध पिलाने की वजह से, तो वहां दूध पिलाने का जो अजर है वो उसको अलग तौर पर मिल रहा है। इन्हें अल्लाह ताला ने औरतों के साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि एक जगह अगर एक फरीजे में कमी हो रही है तो दूसरे फरीजे के अदा करने का अजर भी पा रही है। यानी वैसे तो ये रुख्सत किसके लिए है रोजा बाद में रखने की? मुसाफिर के लिए या मरीज के लिए। लेकिन हामिला मरीज तो नहीं होती, ये दूध पिलाने वाली ना मुसाफिर होती है ना मरीज होती है, तो इन दोनों को भी बाद में रोजे रखने की इजाजत है। यानी ये नहीं कर सकते कि अगर कोई औरत हामिला और रोजे नहीं रख रही या दूध पिला रही और रोजे नहीं रख रही तो वो रोजे रखे ही ना, नहीं, उसको रोजे रखने होंगे, बाद में उनकी कजा देनी होगी। कि हायजा रोजों की कजा तो दे, यानी हायजा औरत रोजों की कजा तो दे लेकिन नमाज की कजा ना दे, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। वजह क्या है? क्योंकि नमाज हर महीने इंसान छोड़ता है तो उसमें बार बार उनको पूरा करना एक मुश्किल काम है, लेकिन रोजा साल में एक बार है तो उसकी कजा दी जा सकती है। फिर दोनों इबादतों की जो कैफियत है वो भी मुख्तलिफ है, और वैसे असल हिकमत तो अल्लाह ही को पता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम तो बज़ाहिर अगर कोई एक बात समझ में आती है तो उसे सोच सकते हैं। वरना तो असल क्या है? इतात, इत्तिबा, फर्मा बरदारी। रोजा रख लो, रख लिया। का छोड़ दो, छोड़ दिया। नमाज पढ़ो, पढ़ ली। छोड़ दो, छोड़ दी। कजा करो, कर ली। नहीं करो, नहीं की। तो असल हुक्म क्या है? फर्मा बरदारी, बात मानना। क्योंकि किसी काम के करने या ना करने की अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन ज्यादा अहमियत किस बात की है? कि हमारा रुझान किस तरफ है, अल्लाह की बात मानने की तरफ या न मानने की तरफ। दूध पिलाने का सिलसिला तो 2 साल तक चलता रहता है, तो ऐसे में क्या फिर औरत 2 साल रोजे छोड़े? नहीं, 2 साल की जरूरत नहीं है छोड़ने की। एक वक्त ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसकी सारी गिजा सिर्फ माँ का दूध होती, वो अभी कुछ खा नहीं सकता। तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे कम से कम 4 महीने तक आमतौर पे बच्चे को कोई और सॉलिड फूड या बाजुकत पानी तक भी नहीं दिया जाता, तो वो कम्प्लीटली माँ पे डिपेंडेंट होता है। ऐसी सूरत में अगर माँ रोजा रख ले और कुछ पिए नहीं, खाए नहीं, तो क्या होगा? दूध में कमी हो जाएगी। अब उस दूध की कमी का असर माँ पर तो जो पड़ेगा पड़ेगा, बच्चे पर ज्यादा पड़ेगा, और बच्चे की वो एज जो थी ग्रोइंग एज होती। अगर गिजा पूरी ना मिले तो वो सारी जिंदगी के लिए सफर कर सकता है। तो ऐसे में उस वक्त तो माँ रोजा छोड़ देता कि बच्चे को दूध पूरा मिले। लेकिन बच्चा जब 1 साल का हो जाता है और भी चीजें खाने पीने लगता है तो दूध एक इजाफी गिजा हो जाती। तो ऐसी सूरत में जब वो और दूध भी पी लेता है या और चीज भी खा लेता है और साथ माँ का दूध भी ले रहा है तो, और उसमें कुछ कमी भी हो गई तो भी इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में माँ फिर रोजे रख ले, या फिर सारे ना छोड़े, एक रख के एक छोड़ दे। तो ये इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। और बाजुकात बाज माएं छोटे बच्चों के साथ भी रोजे रखती हैं और रोजे के साथ भी उनके दूध में कमी नहीं आती, उनकी हिम्मत ज्यादा होती, तो उसमें भी ये सिर्फ रुख्सत है, हुक्म नहीं है कि बिल्कुल रोजा ना रखे। जैसे सफर में चाहे तो रख ले चाहे तो छोड़ दे, इसी तरह इस हाल में अगर वो समझती कि वो रख के काम चला सकती तो रोजा रख ले। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि बूढ़े आदमी को रोजा न रखने की रुख्सत दी गई है, लेकिन वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, और इस पर कोई कजा नहीं। इस हुक्म के बारे में 2 आरा है, एक तो यही जो आपने यहां पढ़ी कि 2 वक्त का खाना, और दूसरी राय क्या है? 1 वक्त का खाना। अफजल यही है कि 2 वक्त का इंसान खिला दे ताकि दूसरे का भी कुछ बन जाए। ऐसे तमाम उमूर जिनमें रोजे की रुख्सत है, मसलन बीमारी, सफर, बुढ़ापा, जिहाद, औरत के मामले में हमल और दूध पिलाने वाली,
वगैरह के होते हुए भी कोई शौक से रोजा रख ले लेकिन बाद में रोजा न निभा सके तो रोजा तोड़ देना चाहिए। इस सूरत में सिर्फ कजा होगी।